So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 14C सॉल्व करने जा रहे हैं और पूरा 14C एकदम आराम से सॉल्व होगा. तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हो आपका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा सर फैक्टराइज करना है, नहीं फैक्टर करना है. अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ सर, x को कॉमन करके m प्लस n निकाल तो लिया. यहाँ पर है y और यहाँ पर भी है y, कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पर है p, यहाँ पर है p, कॉमन कर सकते हैं क्या. यहाँ पर है a, यहाँ पर है a, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 8, कॉमन कर सकते हैं क्या. देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा. बस ये तीन क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से खुद से कर लोगे. पहला क्वेश्चन क्या देखिए, x इंटू एम प्लस एन, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस यहाँ वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा आपके पास, एम प्लस एन. अब पिछले एक्सरसाइज की तरह क्या है, एम प्लस एन तो कॉमन क्या हो जाएगा, एम प्लस एन. क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई एंड इट विल बी योर आंसर. क्लियर, कैसे कि यहाँ वाई था, यहाँ वाई था, वाई कॉमन कर लिया, एम प्लस एन लिख दिया, एम प्लस एन यहाँ कॉमन, फिर एक्स प्लस वाई करके आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स प्लस पी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पर देखिए पी कॉमन है, पी कर लिया, यहाँ पर क्या आ गया मित्र, एक्स प्लस वाई आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया, एक्स एक्स प्लस वाई. अब देखिए एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया तो लिख लीजिए एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या कॉमन हो गया मित्र, पी प्लस एक्स हो गया. तो कॉमन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, पी प्लस एक्स क्या हो गया मित्र, आपका कॉमन हो गया. यहाँ पर ए एक्स, यहाँ ए वाई, ए कॉमन कर लिया तो क्या हो गया मित्र, एक्स प्लस वाई, यहाँ एट, यहाँ एट, प्लस एट कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई. सॉल्व कर देंगे तो एक्स प्लस वाई यहाँ, एक्स प्लस वाई यहाँ, कॉमन कर लीजिए एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र, ए प्लस एट. यानी इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको दो बार कॉमन लेना है, जैसे एक बार यहाँ पर कॉमन लिया, दूसरी बार फिर कॉमन ले लिया. इस तरीके से आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एम इंटू एम प्लस फोर, एट एम माइनस 32. ध्यान समझिएगा, ये ऑलरेडी कॉमन है तो इसको लिख दीजिए एम प्लस फोर माइनस 8 के टेबल में 32 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो मैं यहाँ से 8 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर क्या बचा, 8 वन जा 8, तो यहाँ पर केवल एम बचा, ये माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 फोर जा 32, एम प्लस फोर आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका एम प्लस फोर, और एक ब्रैकेट में क्या आ गया मित्र, एम माइनस 8 आ गया. क्लियर है मित्र, तो ध्यान समझिए क्या करना था, एम प्लस फोर, एट एम माइनस 32, घबराना नहीं है, क्या करना है, ये ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है, इसको लिख दिया एज इट इज़, 8 और 32, 8 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है, तो मैंने कॉमन क्या कर लिया, 8 कर लिया, क्या बचा, m बचा, ये माइनस प्लस हो गया, 8 फोर था 32, तो 4 बच गया. यहाँ पर देखिए 3 और 3 कॉमन है, जो कॉमन दिखे दिख लीजिए, लिख लीजिए 3 कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, प्लस यहाँ पी p कॉमन है, x प्लस वाई लिख लीजिए, x प्लस वाई कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 प्लस पी, और ये क्या हो गया मतलब x प्लस वाई, एंड इट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए x और x कॉमन हो गया, यहाँ 7 और 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ x कॉमन कर लिए तो क्या मिल गया, a प्लस बी, प्लस 7 कॉमन कर लिए तो क्या मिल गया, a प्लस बी मिल गया, a प्लस बी को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी हो गया, और यहाँ क्या हो गया मित्र, x प्लस 7 हो गया, x प्लस 7 और a प्लस बी. ठीक, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, यहाँ क्या कॉमन है, तो x और x कॉमन है तो x लिख लीजिए, ये हो गया आपका वाई माइनस जेड, माइनस टू कॉमन है तो माइनस टू लिख लीजिए, ये माइनस इसको क्या कर देगा सर, ये तो ऑलरेडी माइनस टू बाहर आ गया तो क्या बचा, वाई बचा, प्लस ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, टू कॉमन हो गया जेड, वाई माइनस जेड कॉमन आ गया, तो लिख लीजिए मित्र वाई माइनस जेड कॉमन कर लिए तो क्या बचा, एक्स माइनस टू बचा, ये टू है, एक्स माइनस टू बचा, एंड इट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एक्स वाई. देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ है वाई, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स वाई, कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहो, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक साथ कर लीजिए, प्लस वाई और एक्स वाई को एक साथ कर लीजिए, यहाँ पर क्या कॉमन, एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, प्लस वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस वाई कॉमन कर लिया, देखिए एक्स कॉमन कर लिया तो क्या हो गया हमारा, एक्स माइनस वन आ गया, एक्स माइनस वन, प्लस वाई कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस एक्स बच जाएगा, वन माइनस एक्स को एक्स माइनस वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस वाई कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किस में, माइनस में, तो माइनस वन ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस में. इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वन माइनस वाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन तो एक्स माइनस वन, और आंसर आ गया आपका एक्स माइनस वाई. क्या करना था ध्यान समझिए,
अब आप एक्स स्क्वायर और एक्स वाई को भी एक साथ रख सकते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। जैसे अगर आप एक्स स्क्वायर और एक्स वाई को एक साथ रखते थे, यहाँ एक्स कॉमन करते तो क्या बचता, एक्स माइनस वाई बचता, और यहाँ पर क्या बचता, एक्स माइनस वाई बचता ही। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना था, माइनस से मल्टीप्लाई करना ही था। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, और स्टार बना करके मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। जिस क्वेश्चन में मैं स्टार बनाऊँ इंपॉर्टेंट समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स को एक साथ रख लिया, वाई और एक्स वाई को एक साथ रख लिया। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम साथ में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 3xy, यहाँ पर 5x, इन दोनों में कुछ कॉमन है। अब यहाँ पर आप कॉमन नहीं देख पा रहे, तो आप क्या करो, 3xy को 6y को एक साथ रख लो। आप क्या कर लिए, 3xy प्लस 6y यहाँ रख लिए, माइनस 5x माइनस 10 यहाँ रख लिए। 3 और 6, 3 के टेबल में 6 आता है, जी सर 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3, और क्या कॉमन हो सकता है, वाई। तो जब आपने 3y कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। माइनस यहाँ पर 5 कॉमन कर लिए तो माइनस वाला इसको क्या कर देगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 2 10। x प्लस 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x प्लस 2 और 3y माइनस 5। x+2 and 3y-5, तो कुल मिला जुला करके ये जो दो क्वेश्चन थे, मित्र ये ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर अगर आप ऐसे ही करोगे कि x कॉमन कर लेते हैं, चलो तो फंस जाओगे। यहाँ देखिए 3 और यहाँ पर 6 है, 3 और 6 को एक साथ उठा कर रख लो। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 10 है, 5 और 10 को एक साथ उठा करके रख लीजिए। यानी हम देखेंगे किसके टेबल में कौन सा आ रहा है, या फिर कौन सा इजिली सॉल्व हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई था, तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर, एक्स को एक साथ रख लो, वाई वाले टर्म को एक साथ रख लो। यहाँ पर 3 और 6 को एक साथ रख लीजिए, 5 और 10 को एक साथ रख लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। टफ नहीं है मित्र, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, थोड़ा सा ही ध्यान देने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान दे लेंगे तो बहुत इजीली आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ से भी आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए फिर हम क्वेश्चन नंबर 10th को भी देख के सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, 6x²-3x-4xy-2y। अपनी जगह पर इसको एकदम छेड़छाड़ मत करिए। 3 के टेबल में 6 आता है, मैं कॉमन 3 ले सकता हूँ और x ले सकता हूँ क्या। यहाँ क्या बचा, 3 2 6, 1x चला गया तो x बचा। यहाँ कितना बचा मित्र, +1 बचा। माइनस यहाँ 2, यहाँ 2, 2 कॉमन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यहाँ वाई, वाई कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, यहाँ पर बचा 2x। ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो यहाँ बच गया 1। 2x+1 को कर लीजिए कॉमन, और जैसे ही आप 2x+1 को कॉमन कर लोगे क्या बचेगा, 3x-2y। क्या बता, बचा मित्र 3x-2y बच गया, एंड इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2a-2a² + 4a³। अब देखिए क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्या 1-2a है, तो कहीं ना कहीं आंसर में 1-2a आना चाहिए। अब 2a और 4a³ को एक साथ रख लो, मैं इसको लिख देता हूँ 4a³-2a² - 2a-1। अब करिए क्या, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 छोटा पावर है, a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, यहाँ पर बचा 2a। यहाँ पर मैंने 4a³ और 2a² को एक साथ ले लिया, 2a² कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, 2 2 4, तो 2, और यहाँ पर एक a गया तो a बचा। अब माइनस क्या बचा मित्र, 2a² जब कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1। माइनस यहाँ पर अगर मैंने 1 कॉमन कर लिया तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। तो ये हो गया 2a+1। देखिए जब हम मल्टीप्लाई में किसी के भी लिखें, जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ -3, तो क्या मैं -3 को -1 × 3 लिख सकता हूँ, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी है। तो 2a-1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a² - 1। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपका -1 यहाँ है +1, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या करना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ मैं करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा हमारा प्लस। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो आप सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 1-2a², क्या लिख सकता हूँ, 1-2a² लिख सकता हूँ, और ये हमारा क्या हो गया सर, यहाँ पर हमारा, क्योंकि यहाँ जब मैंने माइनस से किया है तो ये भी तो हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा माइनस। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1-2a², और ये हो जाएगा 1-2a। क्या हो जाएगा मित्र इसका आंसर, तो हो जाएगा 1-2a² और 1-2a। किस तरीके से किया, बस माइनस प्लस का चेंज करना, माइनस चेंज करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ a-b² + 3a-6b। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3a-6b, इसको आप एज इट इज लिखो, a-2b² अब +3-6, यहाँ पर मैंने कॉमन क्या कर लिया, -3 कॉमन कर लिया। जब मैं यहाँ पर, या फिर चलो मैं प्लस कॉमन करता हूँ, +3 मैंने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, a-2b बचा, a-2b बचा क्या।
अब देखिए यहाँ पर a माइनस टू बी दो बार है, यहाँ a माइनस टू बी एक बार है, तो a माइनस टू बी को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस टू बी प्लस क्या बचा, थ्री बचा, तो ये आ गया आपका आंसर। a माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सिक्स भी था, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ से थ्री कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, ए माइनस टू बी बचा, ए माइनस टू बी यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो एक बार बाहर लिख दिया, तो यहाँ बचा ए माइनस टू बी, और यहाँ क्या बचा मित्र, केवल थ्री बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अब इसको एज इट इज लिखिए, 32 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ टू माइनस टू कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो गया वाई, एक्स प्लस वाई क्यों होगा, क्योंकि ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए x प्लस वाई दो बार है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ 32 है, तो मैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लूँ क्या, जब मैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 टू ज़ा 32, और ये कितना बचा, ये बचा 16 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कितना बचा सर, क्योंकि 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल माइनस टू कॉमन एक्स प्लस वाई, और मैंने 2 एक्स प्लस वाई कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर केवल बचा माइनस वन, तो यहाँ पर केवल कितना बचा, माइनस वन बचा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है हमारा 2x प्लस 2y, ये कितना हो सकता है, ये हमारा हो सकता है 16x प्लस 16y माइनस वन, तो या तो आपकी बुक में ये आंसर दिया होगा या ये आंसर दिया होगा, तो जो भी आंसर दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा मित्र, आंसर हो जाएगा, समझिएगा। 32 था, 2 था, मैंने 2 कॉमन कर लिया x प्लस वाई के साथ, तो क्या बचा, 16x प्लस वाई बचा, यहाँ पर क्या बचा, क्योंकि 2x प्लस वाई मैंने कॉमन ही किया, तो माइनस वन बचा। अब इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो इस तरीके से या तो आंसर देगा या तो केवल यही दिया होगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर क्या वो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 समझ में आया, दो क्वेश्चन और बचे हैं, केवल दो ही क्वेश्चन हैं, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आपका ये वीडियो लेक्चर इस एक्सरसाइज के साथ खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14D सॉल्व कर लेंगे, बट चलिए इसको इरेज करते हैं और नए क्वेश्चन आपको लिख करके सॉल्व करा देते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 14C, लास्ट टू क्वेश्चन 14th एंड 15th। देखिए क्वेश्चन नंबर 14th क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर इन टू एक्स प्लस ए, खत्म का नहीं समझ आ रहा है, क्या करना है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में इनका भैया का मल्टीप्लाई इसके साथ, इनका इनके साथ कर दीजिए, मत शरमाइए, एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ गया मित्र, ए आ गया, अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स को एक साथ कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स एक्स प्लस ए को एक साथ कर लो, प्लस एक्स प्लस ए, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, यहाँ दो बार एक्स, यहाँ एक बार एक्स, क्या कॉमन कर लेंगे, ए एक्स कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा मित्र, एक्स बचेगा, प्लस क्या बचेगा, ए बचेगा, प्लस क्या आ गया, एक्स प्लस ए गिवन ही है, एक्स प्लस ए कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ गया, एक्स प्लस ए, और यहाँ क्या आ गया, ए एक्स प्लस वन, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए था, क्या कर लेना था, कॉमन कर लेना था, एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस ए हो गया, ए स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए, एक्स प्लस ए को एक साथ कर लीजिए, फिर यहाँ से ए और एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ एक बार ए था तो एक्स बचा, यहाँ दो बार ए था तो यहाँ ए बचा, और यहाँ क्या हो गया, एक्स प्लस ए कॉमन कर लिया, तो आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, खूबसूरत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, एक्स के पावर फाइव एक्स के पावर फोर एक्स के पावर थ्री एक्स के पावर टू, कुछ मत करिए, क्या करिए, एक्स के पावर फोर कॉमन कर लीजिए, यानी इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, एक्स के पावर फोर कॉमन कर दें तो क्या बचा, एक्स प्लस वन, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो क्या बच गया मित्र, वन प्लस एक्स बच गया, तो वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स के पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया मित्र, एक्स प्लस वन बन गया, ये दोनों कॉमन ले करके। अभी आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं, क्योंकि इसमें से भी कुछ कॉमन हो सकता है, जब तक कुछ कॉमन होगा तब तक हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। क्या कॉमन हो सकता है मित्र, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, और यहाँ पर क्या आ गया सर, एक्स प्लस वन आ गया, एंड इट इज़ योर आंसर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, और यही आपका क्या हो गया मित्र, यही आपका आंसर हो गया। तो ये इतना इजी था आपका एक्सरसाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 14A, B and C भी आज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 14 में आपके लगभग मुझे लग रहा है चैप्टर 14 में 7 या 8 एक्सरसाइजेज हैं, कोई बात नहीं, 3 तो हमने ख़त्म कर लिए, बाकी सभी बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हैं, जिसको देखने की इच्छा करे देखिए और पूरा वीडियोज ही देख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्रांति ला देना यार, है ना, मैथमेटिक्स को एकदम ईजी बनाना है और एकदम ईजिली मैथमेटिक्स को ख़त्म कर देना है, आ रही बात समझ में। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।